Hello students, good morning, Jai Swami Narayan. All of you welcome to class 3 in Atmiya Grade School. My name is Prajakta and I'm a math teacher. Now let's we will start lesson number 10 time. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what we had learned in this lesson so first we had learned the Mathematic lab activity one so in this topic we had learned here giving the some images in that images we are putting the timing for example i get up when you are get up in 6 o'clock so we are showing the here timing 6 o'clock 6 o'clock then after we had learned the hours, hours and minute हैंड इज दस एंड बिग हैंड इज दैट इज द मिनट्स स्मॉल हैंड इज दवर्स एंड बिग हैंड इज द मिनट्स जहाँ पे छोटा हैंड्स रहेगा उतना टाइम हमारे क्लॉक में बजा हुआ रहोग मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल हैंड कितने पर है टेन पे है एंड बड़ा किस पे है ट्वेल्व पे है मतलब यहाँ पे कितना बजा है टेन ओ क्लॉक हो गया है एंड वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट होता है ऑल ऑफ यू नो वेलीमेट एंड वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड यहाँ पे सिक्स सेकंड वाला हैंड्स ने दिया है किसी किसी क्लॉक में टू हैंड्स रहते हैं एंड किसी क्लॉक में थ्री हैंड्स होते हैं थर्ड वाला हैंड्स नहीं दिया है फिर भी वो क्या होता है अंदर यहाँ पे वो टाइम घूमता रहता है ऑटोमेटिकली मतलब वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड होता है जब वन राउंड कंप्लीट होता है सेकंड का वन राउंड कंप्लीट होता है सेकंड का तब वन मिनट होता है एंड वन राउंड कंप्लीट होता है मिनट का तो वन आवर्स होता है सो वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स एंड वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड होता है ओके okay? देन यहाँ पे दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व सो ये जो वन है वो होता है फाइव मिनट देन ये टू होता है टेन मिनट तो यहाँ पे फाइव का क्या आ रहा है फाइव का टेबल आ रहा है तो जब हमारा हैंड कहाँ पे है वन पे है मतलब हमारे क्लॉक पे कितने बज गए यहाँ पे फाइव पे है और यहाँ पे वन पे है. मतलब हमारे क्लॉक में कितना हो गए फाइव फाइव हो गया फाइव फाइव मतलब फाइव बज के फाइव मिनट्स हो गया है और जब हम फाइव मिनट्स लिखेंगे तो यहाँ पे जीरो फाइव लिखेंगे यहाँ पे देखो टेन फाइव है इज नॉट रिटर्न इज द टेन फाइव यहाँ पे जीरो लिखना कंपल्सरी है ये फाइव के पहले जीरो लिखना यहाँ पे कंपल्सरी है यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया जब हम टाइमिंग लिखेंगे टेन जीरो फाइव से लिखेंगे Then after we had learned the exercise 10.1, then after we had learned the interval time. हमने क्या पढ़ा था? Interval time. Interval timing में क्या किया था? For example, here some, uh, here I have one boy, Satish. Satish ने tea लेना start किया 5 o'clock को और उसका tea खत्म हो गया है 5:10 को. मतलब उसको tea पीने के लिए कितना times लगाया है? 12 है मतलब कितना है ट्वेल्व ट्वेल्व पे हैंड है फाइव ओ क्लॉक को उसने स्टार्ट किया और टेन पे ख़त्म हो गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको टी लेने के लिए कितना टाइम्स लगा है तो ट्वेल्व से ट्वेल्व से सॉरी ट्वेल्व से, ट्वेल से टू पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा है टेन मिनट फाइव वन पे है तो फाइव मिनट एंड टू पे है तो टेन मिनट्स लगता है तो उसको टी पीने के लिए कितना टाइम्स लगा है वो हमने क्या क्या है सब्ट्रैक्ट किया है ओके देन आफ्टर वो हैड लर्न द कन्वर्शंस ऑफ द टाइम सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो नाउ लुक एट हियर फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आवर्स वन डे मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं कितने और आवर्स होता है ट्वेंटी फोर आवर्स होता है देन वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं वन डे में कितने आवर्स होते हैं तो हम क्या बोलेंगे ट्वेंटी फोर आवर्स होता है अगर किसी ने पूछा कि वन डे में कितने मिनट्स होते हैं वन डे में कितने मिनट्स होते हैं तो हमें पता है कि वन डे मतलब कितने कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो हमें अभी आवर्स का मिनट में कन्वर्ट करना है आवर्स का मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा मिनट में मिल जाएगा मतलब वन डे में कितने मिनट्स आ जाएंगे हमें पता हो जाएगा वन डे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होता है कितना वन डे कितने आवर्स का होता है ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है एंड वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट मतलब जो हमारी क्लॉक होती है पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना मिनट्स लगता है सिक्सटी मिनट होता है अगर क्लॉक में फाइव बजे है और फाइव बजे है तो सिक्स बजने के लिए कितना टाइम लगता है वन आवर्स लगता है तो ये जो वन आवर्स होता है वो कितने मिनट्स का होता है सिक्सटी मिनट का होता है मतलब फाइव से सिक्स पे जाने के लिए हैंड पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करना पड़ता है ये सर नो फाइव बजे हमारे क्लॉक में सिक्स बजने के लिए पूरा उसको राउंड कंप्लीट करना पड़ता है वो जो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए लगता है क्लॉक को वो होता है सिक्सटी मिनट उसको कितना मिनट लगता है सिक्सटी मिनट मतलब फाइव से सिक्स तक जाने के लिए फाइव से सिक्स पे जाने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं सिक्सटी मिनट्स लगते हैं मीन्स वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स होता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं यहाँ पे क्या पूछा है कि सिक्स डे के लिए कितने आवर्स लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ा है सिक्स के साथ ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई सिक्स को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी आवर्स इन आर सिक्स डे सिक्स डे में कितने आवर्स आते हैं तो हमें वन डे में कितने आवर्स आते हैं पता है ट्वेंटी फोर आवर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे सिक्स के साथ ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर आवर्स मतलब सिक्स डे में कितने आवर्स आएंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर आवर्स आएंगे ठीक है देन देजाम्पल टू है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द वीक वन वीक में कितने डेज आते हैं ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल वन वीक इक्वल टू सेवन डेज एक वन वीक में कितने डेज आते हैं सेवन डेज आते हैं सबको पता है एंड वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स हमें पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स आते हैं तो वन वीक इक्वल टू सेवन डेज होता है आवर्स इन द वीक वीक का आवर्स निकालना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा सेवन के साथ ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करना, पड़े. करना पड़ेगा सेवन को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेवन को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वन हंड्रेड 168 आवर्स मतलब वन वीक में कितने आवर्स uh, आते हैं 168 अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि वन वन वीक में कितने मिनट्स आते हैं यहाँ पे आवर्स के जगह पे मिनट्स वर्ड आता क्या वर्ड आता मिनट वर्ड्स आता तो हमें क्या करना पड़ता सबसे पहले हमें पता है वन वीक इक्वल टू सेवन डेज होता है देन वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स होता है तो फिर हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है तो सबसे पहले हमें तो ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो भी आंसर आता है उसको सेवन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें पता चल जाता है कि कितने मिनट्स आते हैं कितने डेज में सेवन डेज में वन वीक में देन नेक्स्ट हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इंग द डे डे में कितने मिनट्स आते हैं तो हमें पता है कि वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स वन डे में कितने आवर्स uh, आते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स आते हैं और हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है मिनट्स इन द डे डे का मिनट्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मिनिट्स मतलब हमें पता चल गया है कि वन डे में यहाँ पे पूछा था कि वन डे इक्वल टू कितना आवर्स आता है यहाँ पे पूछ रहे कि वन डे में कितना मिनट्स आ रहा है तो हमें पता है कि वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स होता है और आवर्स को अभी कन्वर्ट करना है मिनट मिनट में, में अगर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मिनट इन द डे एक डे में कितने मिनट्स आते हैं निकालना है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वन वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है ट्वेंटी फोर को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मिनट्स मतलब मतलब वन डे में कितना मिनट्स आता है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मिनट्स आता है ओके नाउ एग्जांपल नंबर फोर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर फाइव आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स फाइव आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स में कितने मिनट्स आते हैं वो निकालना है फोर्टी फाइव ऑलरेडी मिनट्स में है अभी ये जो फाइव आवर्स है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है तो अभी हम क्या करेंगे फाइव आवर्स को सिक्सटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें फाइव को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है थ्री हंड्रेड मिनट्स आता है अभी थ्री हंड्रेड मिनट्स को हम फोर्टी फाइव में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव मिनट्स तो फाइव आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स में कितने मिनट्स होते हैं थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव मिनट्स होते हैं ओके okay? तो एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दिस हैड डन अवर लास्ट क्लास नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी कन्वर्ट इनटू द मिनट्स ये जो एग्जांपल है उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में सो एग्जांपल नंबर वन नाउ लुक एट इन द नोटबुक एग्जांपल नंबर वन इज द थ्री अवर्स फिफ्टी मिनट्स ओके ये जो फिफ्टीन है ऑलरेडी किस में है मिनट्स में है अभी ये थ्री है उसको हमें कन्वर्ट करना है उसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स हमें पता है कि न आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है अभी थ्री को सिक्सटी के साथ कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि थ्री आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं थ्री आवर्स इक्वल टू थ्री इंटू सिक्सटी मिनट्स थ्री को सिक्सटी मिनट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री इंटू सिक्स एटीन और यहाँ पे जीरो है तो वन हंड्रेड एट्टी मिनट्स थ्री अवर्स में कितने मिनट्स आगे वन हंड्रेड एट्टी मिनट्स आ गए अभी यहाँ पे फिफ्टीन ऑलरेडी मिनट्स में मिनट्स में हमें अभी निकालना है कि थ्री अवर्स फिफ्टीन मिनट्स इसमें कितने मिनट्स आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा वन हंड्रेड प्लस 180 प्लस 15 मिनट्स को ऐड करना पड़ेगा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा जीरो प्लस फाइव फाइव देन एट प्लस नाइन वन हंड्रेड वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव हो गया वन हंड्रेड वन हंड्रेड को फिफ्टीन के साथ क्या किया है ऐड किया है क्योंकि ये फिफ्टीन ऑलरेडी मिनट्स में है हमने क्या किया थ्री अवर्स था उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर किया है हमें क्या करना है कन्वर्ट इन टू द मिनट्स हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया है जो हमारा थ्री अवर्स है थ्री अवर्स था उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया है मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा थ्री को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री को सिक्सटी के साथ क्यों का हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट होता है थ्री इन सिक्सटी मिनट्स कितना होगा वन हंड्रेड एट्टी मिनट्स होगा अभी वन हंड्रेड एट्टी मिनट्स को हम फिफ्टीन मिनट्स के साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव मिनट्स हो जाए सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन नाउ एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू इज द सेवन फिफ्टी मिनट्स सेम इसी की तरह है ठीक है हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स हमें पता है वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है अभी सेवन आवर्स को हमें सेवन आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो सेवन इन टू सिक्सटी मिनट्स सेवन को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेवन सिक्स सा फोर्टी टू एंड यहाँ पे हम वन जीरो क्या कर दे लगा देंगे देखो सिक्सटी में कितने जीरो आते हैं वन जीरो आता है ठीक है सेवन को सिक्सटी सिक्स सेवन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है सेवन सिक्स सा फोर्टी टू और वन ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया तो कितना आ गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी मिनिट्स मतलब सेवन आवर्स में कितने मिनट्स आ गए फोर हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स आ गया अभी फोर हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स और 50 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है कि सेवन आवर्स फिफ्टी मिनट्स में कितने मिनट्स आते हैं तो सेवन आवर्स फिफ्टी मिनट्स हम क्या करेंगे फोर हंड्रेड ट्वेंटी प्लस 50 मिनट्स दोनों को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे 420 प्लस 50 एड करेंगे तो कितना आता है 470 मिनट्स मतलब सेवन आवर्स 50 मिनट्स में कितने मिनट्स आते हैं 700 हंड्रेड सॉरी फोर हंड्रेड मिनट्स आते हैं दिस इज एग्जांपल नंबर टू नाउ एग्जांपल नंबर थ्री एग्जांपल नंबर थ्री क्या है टेन आवर्स थर्टी मिनट्स ठीक है ये सेम सेम इसी तरह है वन आवर्स इक्वल टू कितना होता है वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होते हैं अभी टेन टेन आवर्स को हम क्या करेंगे सिक्सटी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे मतलब टेन को सिक्सटी मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टेन को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स हंड्रेड मिनट्स अभी सिक्स हंड्रेड मिनट्स को हम ऐड करेंगे थर्टी मिनट्स के साथ टेन आवर्स थर्टी मिनट्स इक्वल टू सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड मिनिट्स अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है सिक्स हंड्रेड थर्टी मिनिट्स मतलब टेन अवर्स सिक्सटी मिनट में कितने मिनट्स आ गए हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी मिनट्स आ गए थ्री हंड्रेड सिक्सटी मिनट्स सो दिस इज एग्जांपल नंबर थ्री नाउ एग्जांपल फोर आई विल एक्सप्लेन फाइव एंड सिक्स ये आपको होमवर्क है विच इज द होमवर्क फाइव एंड सिक्स बोथ आर द होमवर्क नाउ एग्जाम्पल नंबर फोर ट्वेल्व आवर्स फाइव मिनट्स तो ये ऑलरेडी फाइव मिनट्स में है ट्वेल्व को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो हमें पता है कि वन आवर्स इक्वल टू मिनट वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है तो ट्वेल्व आवर्स ट्वेल्व आवर्स इक्वल टू ट्वेल्व इन टू सिक्सटी मिनट ट्वेल्व और ट्वेल्व सिक्स सा ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू एंड यहाँ पे जीरो ऑल ऑफ यू नो वेरवील ट्वेल्व सिक्स सा सेवेंटी टू होता है और सिक्सटी वन वन जीरो है तो वन जीरो लगते हैं सो मिनट तो हमें पता चल गया है कि ट्वेल्व आवर्स में कितने मिनट्स आ रहे हैं सेवन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स आ रहे हैं. तभी हमें ट्वेल्व आवर्स फाइव मिनट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे ट्वेल्व आवर्स फाइव मिनट्स तो हम क्या करेंगे 720 हंड्रेड ट्वेंटी को ऐड करेंगे फाइव मिनट्स में तो कितना हो जाएगा 725 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिनट्स कितना हो जाएगा 725 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिनट्स हो जाएगा तो इसका आंसर आता है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सबसे पहले हमने जो अवर्स में था उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है देन उसके बाद जो भी मिनट का आंसर आता है वो यहाँ पे मिनट में दिया है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मिनट्स होता है क्यों हमने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ट करना था मिनट्स में सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी पीछे वर्थ द होमवर्क फाइव एंड सिक्स दिस इज द होमवर्क फॉर यू नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक ए एम एंड पी एम सो लुक एट हियर आशा इज स्लीप सॉरी आशा इज स्लीपिंग एट द फोर ओ क्ला फोर ओ क्लाक अर्ली मॉर्निंग जो आशा है वो कब सो गई है अर्ली मॉर्निंग फोर ओ क्लाक को मतलब सुबह फोर फोर ओ क्लाक को वो क्या हो गई सो गई थी आशा इज स्लीपिंग एट द फोर ए एम आशा कब सो गई थी फोर ए फोर ए एम को ऑल ऑफ यू नो ए एम एंड पी एम सबसे पहले ए एम एंड पी एम का मतलब क्या होता है ए एम का होता है एंटी मेरेडियन एंड पी एम का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन ठीक है तो एम कब लिखते हैं पीएम कब लिखते हैं सो लुक एट कैटियर रात के ट्वेल्व बजे से रात के ट्वेल्व बजे से सुबह के नाइट नाइट के ट्वेल्व बजे से सुबह के एलेवन फिफ्टी नाइन्थ तक हम लिखते हैं मॉर्निंग ओके मॉर्निंग के फिफ्टी नाइन्थ तक हम लिखते हैं ए एम सुबह के ट्वेल्व बजे से सॉरी रात के ट्वेल्व बजे से सुबह के एलेवन फिफ्टी नाइन तक हम लिखते हैं ए एम जैसे क्लॉक में ट्वेल्व ओ क्लॉक हो जाएंगे आफ्टरनून के दोपहर के क्लॉक में ट्वेल्व ओ क्लॉक हो जाएंगे तब से रात के एलेवन नाइट के एलेवन फोर्टी नाइन तक होता है पीएम सुबह के सॉरी रात के ट्वेल्व बजे से रात के ट्व बजे से यहाँ लिखा है यहाँ क्या लिखा है फ्रॉम ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट मिड नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक से ट्वेल्व ओ क्लॉक नून मतलब दोपहर को आफ्टर नून के ट्वेल्व ओ क्लॉक को ए एम लिखेंगे लेकिन जैसे क्लॉक में हम सुबह के ट्वेल्व ओ क्लॉक हो जाएगी तो हम वहाँ पर पी एम आता है क्या आता है पी एम आता है मतलब एलेवन फिफ्टी टाइम फिफ्टी नाइन तक हम टाइम सेट करेंगे तो एम आ जाता है ठीक है जैसे हम ट्वेल्व आफ्टरनून हो ट्वेल्व आफ्टरनून मतलब क्लॉक में ट्वेल्व ओ हो जाएंगे और तो रात के एलेवन फिफ्टी नाइन तक अगर हम आ, हम क्या करते हैं अलार्म लगाते हैं हमारे क्लॉक में तो जब क्या होता है और रात के ट्वेल्व बजे का हमें आ, क्या लगाना है रात के ट्वेल्व बजे का अलार्म लगाना है तो उस समय क्या आता है ए एम आता है क्या आता है ए एम आता है लेकिन अगर सॉरी रात के ट्वेल्व बजे से सुबह एलेवन फिफ्टी नाइन तक हम अगर टाइम लगाएंगे तो एम आएगा और जैसे ट्वेल्व बज जाएंगे जैसे ही ट्वेल्व बज जाएंगे सुबह के और रात के एलेवन फिफ्टी नाइन तक लगाएंगे तो वहाँ पे आता है पी एम लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ट्वेल्व से ट्वेल्व तक लेकिन ये जो मिड नाइट के ट्वेल्व है जैसे मिड नाइट के ट्वेल्व हो जाएंगे तो वहाँ पे ए एम आ जाता है और यहाँ पे ट्वेल्व ओ क्लॉक लिखा है सुबह के ट्वेल्व क्लॉक हो जाएंगे तो पीएम हो जाए यहाँ पे देखो ट्वेल्व ट्वेल्व ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ पे पीएम हो जाता है लेकिन जब हम अलार्म लगाते हैं हमारे क्लॉक में तो एलेवन फिफ्टी नाइन तक हम जब सेट करते हैं तब लिखेंगे हम ए एम मतलब सुबह के और रात के लिखेंगे तो पीएम एक बार लुक ट्वेल्व के नाइट्स ट्वेल्व के नाइट से लेकर सुबह के एलेवन फिफ्टी नाइन तक होता है ए एम क्या होता है ए एम होता है एंड ट्वेल्व आफ्टरनून मतलब दोपहर के ट्वेल्व से लेकर नाइट के एलेवन फिफ्टी नाइन तक होता है पी एम क्या होता है पी एम होता है नाउ लुक एट हियर आशा इज स्लीपिंग एट द फोर ओ आशा सो गई है फोर ओ को अर्ली मॉर्निंग सुबह सो गई है अर्ली मॉर्निंग को सो गई है मतलब क्या होगा स्लीपिंग एट द एम सुबह सुबह सो गई है हमने अभी बताया कि रात के ट्वेल्व ओ क्लाक के ले लेकर ले सुबह के एलेवन फिफ्टी नाइन तक क्या होता है ए एम होता है जैसे दोपहर के बारह बज जाते हैं तब स्टार्ट हो जाता है पी एम कब तक रात के एलेवन फिफ्टी नाइन तक तो वो आ, आशा स्लीप एट द फोर क्लॉक अर्ली मॉर्निंग सुबह वो फोर ओ को सो गए मतलब कितना हो गया टाइम फोर ए एम हो गया क्या हो गया ए एम हो गया है शी हैज़ हर ब्रेकफास्ट एट ओ इन द मॉर्निंग और उसने उसका ब्रेकफास्ट कब लिया है एट एट ओ क्लॉक मॉर्निंग को शी हैज अ ब्रेकफास्ट एट द एट ए एम यहाँ पे भी ए एम आ गया है ठीक है शी हैज़ हर लंच इन द स्कूल ट्वेल्व ओ क्लाक देखो उसने ट्वेल्व ओ क्लॉक को उसका लंच स्टार्ट कर दिया है ट्वेल्व ओ क्लॉक को लंच इन द डे शी हैज हर लंच स्कूल एट द ट्वेल्व ओ क्लॉक द नून ही नॉर्मली से इज द ट्वेल्व नून उसको ट्वेल्व नून बोलते हैं अदरवाइज हम बोल सकते हैं ट्वेल्व नून बोल रहे तो टेन पीएम भी आ, इसको नॉर्मली ट्वेल्व नून ही बोलते हैं आफ्टरनून बोलते हैं अदरवाइज हम ट्वेल्व पी एम भी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं ट्वेल्व पी एम मतलब मैंने अभी बताया कि ट्वेल्व आफ्टरनून से स्टार्ट होता है दोपहर के तो रात के रात के एलेवन फिफ्टी नाइन तक क्या होता है पीएम होता है तो ट्वेल्व पी एम भी बोल सकते हैं हर स्कूल गेट अप और टू ओ क्लाक गेट ओवर एट द टू ओ क्लाक इन द आफ्टरनून ऑफ्टरनून को उसकी स्कूल टू ओ क्लाक को छूट रही है तो ही स्कूल गेट ओवर द टू पी एम मतलब उसकी स्कूल कितने बजे uh, क्या हो गए पी एम हो गए टू ओ क्लाक हो गए मतलब पी एम हो गया है टू ओ क्लाक ऑफ्टरनून की मतलब हो गए। शी गया टू स्लीप एट द दो क्लॉक एट द नाइट अभी वो नाइट को टेन ओ क्लाक को सोने गई है टेन ओ क्लाक को सोने गई है मतलब क्या है पीएम है ट्वेल्व ओ क्लाक से क्या स्टार्ट होता है हमारा पीएम स्टार्ट होता है सी स्लिप ट्वेल्व ओ क्लॉक एट सी सॉरी शी इज स्लीपिंग एट द ट्वेल्व ओ क्लॉक एट द नाइट नाइट के वो ट्वेल्व ओ क्लॉक को सो गई शी इज स्लीपिंग टेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट मतलब वो टेन मिड नाइट को ट्वेल्व ओ क्लॉक को सो गए तो वी नॉर्मली से इज द मिड नाइट उसको मिड नाइट भी बोल सकते हैं अदरवाइज ट्वेल्व ए एम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रात के 12 बजे से क्या स्टार्ट होता है ए एम होता है जब हमें मोबाइल में हो मोबाइल में अगर हम कभी कभी अलार्म सेट करते हैं तो अगर हमें रात के ट्वेल्व बजे का क्लॉक सेट करना है अलार्म सेट करना है तो वहां पे हमें ट्वेल्व ए एम लिखना पड़ता है अगर हमें सुबह के ट्वेल्व ओ क्लॉक का लगाना है तो ट्वेल्व पी एम लिखना पड़ता है ठीक है तो ये हो गया है ए एम एंड मिड मतलब ये मिड नाइट हो इसको हम नॉर्मली मिड नाइट बोलते हैं सुबह को नून बोलते हैं ट्वेल्व नून बोलते हैं एंड इसको ट्वेल्व मिड नाइट बोलते हैं रात के ट्वेल्व ओ क्लॉक को हम मिड नाइट बोलते हैं एंड सुबह के इसको हम नून बोलते हैं ट्वेल्व नून बोलते हैं एंड रात को क्या बोलते हैं ट्वेल्व मिड बोलते हैं टू शो दैट फ्रॉम द ट्वेल्व ओ क्लॉक फ्रॉम द ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट रात के ट्वेल्व ओ क्लॉक से ट्वेल्व ओ क्लॉक नू मतलब सुबह के ट्वेल्व ओ क्लॉक तक क्या होता है ए एम क्या होता है ए एम ऑफ्टर द टाइम फ्रॉम द ट्वेल्व ओ क्लॉक नून एंड ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट मिड नाइट के ट्वेल्व आफ्टर नून के ट्वेल्व ओ क्लॉक से रात के मिड नाइट तक होता है पी एम ऑफ्टर द टाइम ओके एम का मतलब होता है एंटी मेरेडियन एंड पी एम का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन तो यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हूं आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है सो ऑल ऑफ यू लुक एट हियर फर्स्ट टेन ओ क्लॉक मॉर्निंग सुबह के ट्वेन ओ क्लॉक सुबह के ट्वेन ओ क्लॉक को हम क्या बोलेंगे मैंने अभी बताया था कि रात के बारह बजे से लेकर सुबह के एलेवन फिफ्टी नाइन तक क्या होता है ए एम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे टेन ए एम उसको क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे अभी रात के के नाइट ओ क्लॉक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन पी एम हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन पी एम हो जाएगा सिक्स इवनिंग इवनिंग के सिक्स ओ क्लॉक इवनिंग के सिक्स ओ क्लॉक इवनिंग के सिक्स ओ क्लॉक मतलब क्या होगा ट्वेल्व बजे से आफ्टरनून के ट्वेल्व से रात के एलेवन फिफ्टी नाइन तो क्या होता है पीएम होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स पीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स पीएम देन सिक्स ओ क्लॉक मॉर्निंग मॉर्निंग के सिक्स सिक्स ओ क्लॉक मतलब क्या हो जाएगा सिक्स ए एम देन नाइन फिफ्टी फाइव मॉर्निंग सुबह के ये आपको होमवर्क है यहाँ पे आपको एम आता है कि पीएम आता है लिखना है यहाँ पे भी इवनिंग है तो ये भी आपको होमवर्क है यहाँ पे एम आता है कि पीएम आता है देन यहाँ पे टू थर्टी ऑफ्टरनून दोपहर के टू थर्टी मतलब ट्वेल्व ओ क्लॉक से नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक दोपहर से और राइट नाइट के एलेवन फिफ्टी नाइन तक क्या आता है पीएम आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू थर्टी पी एम यहाँ पे क्या आ जाएगा टू थर्टी पीएम आ जाएगा और यहाँ पे टू थर्टी नाइट है रात के रात के बारह बजे से सुबह सुबह के मतलब दोपहर के एलेवन फिफ्टी नाइन तक क्या होता है ए एम होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू थर्टी ए एम और ये आपको होमवर्क है नाइट के ट्वेल्व थर्टी फाइव नाइट के थर्टी फाइव को क्या बोलेंगे वो आपको होमवर्क है सो दिस इज द एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री